हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, ये देखिए डिश वॉशर जो कि मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया है, आज इसका जो मैंने ऑर्डर किया था आ गया है और इसे हमने अनपैक कर लिया। तो इसे मैंने यहाँ पे देखिए काउंटर पे ही रखवा दिया है, क्योंकि ये किचन काउंटर पे काफ़ी हमारा स्पेस था। तो इस तरह की अगर डिश वॉशर आप मंगाती हैं तो इसे काउंटर पे भी रख सकते हैं अगर जगह है तो, अदरवाइज़ ये लोअर कैबिनेट जो है यहाँ पे भी फिक्स कर सकते हैं। साथ ये इनलेट एंड आउटलेट पाइप है, ये ड्रेनर जो ड्रेन में इसको लगाएंगे, इधर सिंक साइड में लगा देते हैं। और साथ ये लिक्विड है जो कि डिश वाशर क्लीन करने के लिए, डिश वाशर में डालने के लिए है, डिश को क्लीन करने के लिए टैबलेट्स है और ये लिक्विड है। सो अभी इसके लिए हमने और ये एक्स्ट्रा ऑर्डर किए हुए हैं। तो गाइस, इस वीडियो को अभी हम कंटिन्यू करते हैं इसको इंस्टॉल करने के बाद, और इसके क्या क्या फंक्शंस जो कि हमने इसको कैसे इसमें बर्तन वगैरह प्लेट्स वगैरह कैसे क्या सेट करना है, ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं आपको इस वीडियो में। अभी ये डिश वॉशर जो है हमने इंस्टॉल कर लिया है, और अभी हमने आफ्टर डिनर अभी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए हैं और अब हमने इसको इनमें लगा देना है, पहले बड़े बर्तन और फिर जो भी और छोटे बर्तन होंगे सारे। बस यहाँ पे बर्तन जो है सारे, यहाँ पे हमने जितने भी गंदे बर्तन थे डिशवाशर में लोड कर दिए, लगा दिए हैं, और ऊपर वाले भी जो रैक है इसमें भी हमने कुछ जो है चाय का पतीला, ये हमारा सर्विंग बोल, और भी जो है कप्स वगैरह, और ये अपना गंदा कर रखा है मेड ने, ये हमारा तड़के वाला भी पैन, इसको भी ऐसे उल्टा करके रखना है। तो ये देखिए सब ऐसे रख सकते हैं अच्छी तरह से, तो ये मैंने रख दिया। अब इससे हमने अंदर कर देना है ऐसे, इसी तरह से यहाँ पे भी काफ़ी गंदा सा है। ये मैंने अभी केक का बनाया था ना, चॉकलेट वगैरह वाला सारा कुछ कुकर, ये सारा राइस का और ये सब्जी की कढ़ाई, ये जो भी है सब रख दिया है अभी मैंने इसको। अब इसे भी अंदर साइड कर दे रहे हैं, और अब इसको हमने लोड कर दिया है। जो भी मेरा डिनर का बर्तन था वो सारा रख दिया है। जिंजर गार्लिक के पेस्ट का मेरी बॉटल खाली थी, मैंने सोचा इसको भी रख दो, क्योंकि ये ना गर्म पानी से अच्छे से वॉश होता है, तो ये एक तरह से स्टरलाइज हो जाएगी ये मेरी बॉटल भी ना। तो चलिए अब इसमें टैबलेट डालना है। सो कंप्लीट हो गया है, ये बर्तन तो लोड हो गया है, बस इसको अब बंद करते हैं। और अभी इसको मैंने कंप्लीटली बंद कर देना, तो मॉर्निंग में ही देखेंगे इसको ओपन करेंगे। देखिए हमने टैबलेट को रख दिया है और इसे बंद कर देंगे अब। और अब इसमें ये लिक्विड जो है हमारे पास, इसको डाल देना है। ये है ना लिक्विड, इसको ऐसे तो इसको इस तरह से फिक्स कर देना है। अब ये सारी चीजें हटा देनी है और इसे हम बंद करेंगे। अब इसको बंद कर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पे जो ये पी लिखा हुआ है ना, यानी कि प्रोग्राम, तो इसको डिफरेंट जो भी है इसमें प्रोग्राम्स दे रखे हैं उसको हमने सेट करना है। तो यहाँ पे अब इसको हम प्रेस कर देते हैं और इस तरह से प्रेस करते रहेंगे, और अब ये इको पे आ गया है, तो अब हमने इसको प्ले कर देना है। तो इस तरह से ये हमने कर दिया, तो इसका टाइम सेट कर दिया, टाइम ऑलरेडी सेट है, हमने इको पे कर दिया है। अगर हमने आफ्टर डिनर इसको सेट करके रख दिया है तो ये आराम से ये एनर्जी एंड वाटर दोनों ही हमारा सेव करेगा। गाइस, डिश वॉशर के साथ तो ये दो टैबलेट्स और एक वो लिक्विड जो था वो देते हैं, बट हमने इसको अलग से परचेज कर लिया है, ऑनलाइन मंगा लिया है। तो ये है डिश वॉशर टैबलेट्स होते हैं, तो 100 टैबलेट्स हैं इसमें, ऑनलाइन तो हमने इसको भी परचेज कर लिया है। इस तरह से इसको मंगा के रख सकते हैं। तो अब हमने इसको मॉर्निंग में ही कंटिन्यू करनी है इसकी वीडियो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह का वक्त हो गया और अब हम आ गए अपने किचन में, क्योंकि अब हमें बनानी है अपने लिए चाय। और अब हम अपना डिशवाशर भी चेक करेंगे कि जो हमने बर्तन रात में सेट किए थे उसमें लोड किया था, देखते हैं कैसे क्लीन हुए हैं वो।
तो बर्तन तो काफ़ी साफ सुथरे दिख रहे हैं मुझे और ड्राई भी दिख रहे हैं। सारे बर्तन हमारे साफ हो गए हैं और ये कढ़ाई भी साफ हो गई है। इस तरह से हम सारे बर्तन इसमें से निकाल लेते हैं। तो गाइज अभी हमने इस जो फर्स्ट टाइम हमने इस पे बर्तन लोड किए थे ना, उसमें मैंने डिफरेंट टाइप के बर्तन लगा दिए थे, जैसे कि ये तामचीनी की प्लेट है और ये है नॉन स्टिक है और दूसरा एलुमिनियम है, स्टील है, क्रॉकरी है। सो मैंने हर टाइप के बर्तन इस पे लोड कर दिए थे। सो सब अच्छे से वॉश हुए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे शाइन कर रहे हैं सारे बर्तन अच्छी तरह से। कुकर भी है, ये सारी प्लेट्स जो हमने लगा रखी थी। यहाँ पे जो प्लेट्स होती हैं वाइट ना, इनमें कुछ स्पॉट्स वगैरह काफ़ी जब पुरानी हो जाती तो पड़ जाते, तो मैंने इसीलिए लगाया था इस पर कि देखते कैसे साफ़ हो जाते हैं। तो ये भी अच्छे से साफ़ हो गए। तो इस तरह से ये टॉप वाला जो रैक है हमारा, इस पर भी हमने छोटे बर्तन लगा रखे हैं, इसमें कटोरियाँ वगैरह हैं। इसमें तो मैंने स्टील की और ये बोनचाइना की कटोरियाँ लगा दी थी। स्टील कटोरी भी कितनी साफ़ है, क्योंकि मैंने पुरानी कटोरी लगाई थी इसको, और अच्छे से ये देखिए साफ़ हो गई है, शाइन कर रही है। तो मेड भी इतना साफ़ सुथरा नहीं करती है बर्तन। ग्लास बाउल है मेरा, ये अभी साफ़ हो गया है। तो गाइस इस तरह से बर्तन जो है काफ़ी अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। और अब हमने इतने सारे ये बर्तन जो है हमने वॉश कर लिए अपने डिनर के, अब हम इस पर कुछ अपने क्रॉकरी वगैरह जो है रखी हुई उनको वॉश कर लेते हैं, उसको लगा देंगे। यहाँ पे हमने क्रॉकरी लगा दी है और ऊपर साइड भी ग्लासेस एंड कटोरियाँ लगा दी हमने। और यहाँ पे रख दिया हमने टैबलेट, इसको बंद कर देंगे, इसे ऑपरेट करते हैं। बहुत इजी है इसे ऑपरेट करना। तो सबसे पहले इसे ऑन करेंगे यहाँ पे पावर। और यहाँ पे ये है प्रोग्राम कि किस पे हमने करना है। तो यहाँ पे हमने 35 मिनट के लिए अगर करना है तो 35 मिनट के लिए, ओनली 35 मिनट के लिए हम इसको ऑपरेट कर देते हैं। अब इसे हमने प्ले कर देना है, बस अभी हमारा शुरू हो गया डिशवाशर काम करना। गाइस यहाँ पे देखिए मशीन जो है हमारी डिशवाशर ऑफ हो गई है, और अब हम इसे देख लेते हैं कि बर्तन किस कंडीशन में है। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से वॉश हो चुके हैं और ड्राई भी है, तो इसकी अच्छी तरह से वॉश भी होते हैं और ड्राई भी हो जाता है बर्तन। सो अब हमें बाद में पोंछने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। गाइस ये देखिए टॉप वाले रैक पे भी हमने जो ये कटोरियाँ बाउल्स रखे थे ये भी अच्छे से वॉश एंड ड्राई हो गए हैं। और अब ये सारी डिश वगैरह देखिए कितनी शाइन कर रही है ना अच्छे से। सो हमें तो ये बहुत ही यूज़फुल डिशवाशर लगा और इसे इस किचन अप्लायंस को ज़रूर अपने किचन में लगाना चाहिए। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए रेसिपी नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर।